शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय 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 बजरंग बली। बजरंग बली बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, हयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सूरज को फल समझ के खाने उड़ते हैं बजरंग बली, सूरज को मुख में रख लेते जय 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 बजरंग बली, शाप के कारण बल भूले जय 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 बजरंग बली, क्या जाने पर शक्ति पाते जय 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 बजरंग बली, राम लखन को कंधे पर बैठा उड़ते बजरंग बली, राम भक्त को राम मिल गए जय 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 बजरंग बली, सिया की खोज में राम दूत सागर लांगे बजरंगी। जय 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 बजरंग बली। क्या हुआ मारुति, बहुत मुस्कुरा रहे हो? बस यही। कुछ तो बात है। आग लगा दो सभी झोपड़ियों को, राख कर दो सब कुछ। मारुति, मारुति, माँ, अंजना, नहीं अंजना, देखा कैसे तड़प रहे हैं तेरे माता पिता। समाचार लेकर नहीं आता हम चैन की नींद भी नहीं सो सकते, परंतु अब तक खरदोशी ने उस बालक को समाप्त कर दिया होगा, परंतु ये शुक्र कभी तक ये समाचार लेकर क्यों नहीं आया?
अरे क्यों नहीं लेकर आया? क्यों नहीं लेकर आया? मारुति, पीछे जाओ। मारुति, आग बहुत भड़क रही है, दूर जाओ। क्यों नहीं सुनता? तुझ में तेरे माँ की ही नहीं, मेरे भी प्राण बसे हैं तुझ में। माँ, पिताजी, मुझे जीवन तो आपने ही दिया है। आपके बिना मैं बाहर रहकर भी क्या करता? नहीं मारुति, आग बहुत भड़क रही है। स्वामी, कुछ कीजिए, मारुति संकट में है। देवी, वो तो स्वयं ही संकट मोचन है, जो दूसरों के संकट दूर करेगा, भला वो स्वयं संकट में कैसे हो सकता है? हे भगवान, अब क्या होगा? अग्नि तो बढ़ती ही जा रही है। हे प्रभु, कुछ कीजिए, भले ही मेरे प्राण चले जाए, किंतु मारुति को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रभु, इसकी रक्षा कीजिए। माँ, हमारे कुलदेव तो पवन देव नहीं, सदा हमारी रक्षा की है। आप उन्हें पुकारिए। हाँ मारुति, वही हमें बचा सकते हैं। हे पवनदेव, आपने सदा हमारी संकट काल में सहायता की है, अब आप ही हमें इस विकराल अग्नि से बचाइए। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हे पवनदेव, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे बालक पिता पवनदेव, प्रकट हूँ,
प्रकट हूँ। मारुति, मेरा पुत्र संकट में है? नहीं, मेरे होते असुर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जल के देवता वरुण, इस विकराल अग्नि को शांत कीजिए। लगता है कमरी टूट गई। दुष्ट में इतना बल ना जाने कहां से आया, यूं उठा के फेंक दिए जैसे जैसे फूल को फेंक दिया हो। किंतु कुछ भी कहो घर, किंतु भ्राता रावण की राह का कांटा निकल गया होगा। मैंने आकाश मार्ग से जाते जाते देखा था, वो आग की ओर बढ़ रहा था। और यदि अपने माँ बाप को बचाने के लिए वो आग में गया होगा और उसकी भी चिता वहीं बन गई होगी। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, चलो चल के देखते हैं। दूषण, अब तक तो वो सभी जल भुज गए होंगे। क्षमा करें सेनापति जी, अब वहां कोई नहीं है। क्या भक्त तुझे भाग रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, वे सारे के सारे बच गए हैं। नहीं, नहीं, ओ, नहीं, वो
बालक बच कैसे गया? अवश्य उसने किसी मायावी चाल का सहारा लिया होगा। कोई बात नहीं, वो हमारी शक्ति को नहीं जानता, उसे मरना ही होगा। अब देखना हम क्या करते हैं। परंतु धूषण, भ्राता रावण से जाकर क्या कहेंगे? यदि आज आप न होते तो न जाने क्या हो जाता। आपने हमारी सदैव रक्षा की है, आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। महाराज केसरी, आप सब मुझे कुल के देवता के रूप में पूछते हैं, तो आपके कुल की रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। हे प्रभु, मारुति को यदि कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं बचती। आपने हम पे जो उपकार किए हैं उसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। देवी अंजना, मारुति मेरा भी पुत्र है और आपकी भांति मैं भी उसे स्नेह करता हूं, है ना मारुति? हाँ पिताजी, तभी तो हम सबकी पुकार सुनकर आप दौड़े चले आए, हम सबकी रक्षा की। मुझे समझ में नहीं आता है कि सारे ऋषिगण चले कहाँ गए, हमारी मदद करने के लिए आए क्यों नहीं? जामवन जी, वे ऋषि नहीं, ऋषियों के वेश में असुर थे, पर उन्होंने ही ये सब किया। मुझे तो उन पर पहले से ही संदेह था, वो तो अवश्य ही लंकेश रावण के भेजे हुए मायावी असुर होंगे। जामवन जी, अब आप असुरों की चिंता छोड़िए और मतंग ऋषि के आश्रम में जाने की तैयारी कीजिए। अवश्य पवन देव। आपको प्रणाम। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है कि खुशियां हमारे पास आने से पहले ही अपना मार्ग बदल देती है? ऐसा क्यों होता है? लंकेश, करदूषण ने तो उन्हें चिता में झोंक ही दिया था, पल भर में वो लोग भस्म भी हो जाते, किंतु उस दुष्ट पवन देव ने आके उन्हें बचा लिया। पवन देव, तू चाहे जो कर ले, परंतु हमारे प्रकोप से उस बालक को नहीं बचा सकता, कदा भी नहीं। ठीक नहीं, अंजन प्रदेश में ऐसी मायावी शक्ति भेजे थे जिसके कारण संपूर्ण अंजन प्रदेश सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपेगा, और वो पाताल की मायावी शक्ति उस बालक को सदा सदा के लिए समाप्त कर देगी। सुना तूने? लंकेश, हे पातालवासी दैत्य वज्रासुर, प्रकट हो। रक्त 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 रक्त। हा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